बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन अकराम। मैं आपको बताता चलूं कि आज से पहले अल्हम्दुलिल्लाह हम 6 घर बना चुके हैं, 5 मस्जिद बना चुके हैं और 4 हम अल्हम्दुलिल्लाह मदारस बना चुके हैं। ये सब के सब जो कंस्ट्रक्शन वर्क थे, सब के सब ही मेगा प्रोजेक्ट थे, जो कि अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक के तआवुन आप सब की सपोर्ट की वजह से ही पॉसिबल हुए हैं। नाज़रीन अकराम, मैं आपको बताता चलूँ, जब भी मैं किसी रस्ते से गुजरता हूँ, जब मैं कोई मस्जिद देखता हूँ जो कि अल्हम्दुलिल्लाह हमने बनवाई हुई होती है, यकीन करें कि इतनी ज़्यादा खुशी होती है। सारी की सारी मसाजिद आबाद है, सब के सब मदारस आबाद हैं, वहाँ पे बच्चे कुरान मजीद पढ़ते हैं। मसाजिद क्योंकि गाँव में सिलेक्टेड मसाजिद होती हैं, ज़्यादा मसाजिद नहीं होती, तो जो एक मसाजिद होती है वहाँ अल्हम्दुलिल्लाह बहुत रश होता है, सब के सब लोग नमाज टाइम इकट्ठे हो जाते हैं, नमाज अदा करते हैं, बहुत ज़्यादा खुशी होती है। हमारे यही अमाल होते हैं जो कि हम नेकी की तरफ स्टेप उठाते हैं, यही अमाल हमारे साथ जाने हैं, बाकी सारी चीज़ें हमने यहीं छोड़ के जानी हैं। आप देख लें आपके कितने रिश्तेदार होंगे जो कि आपके बिल्कुल दिल के पास होंगे, मेरे दादा अबू, मेरी वालदा मोहतरमा, जो कि सारे ही हमें छोड़ के इस पूरी दुनिया को बाय कह के खाले के हकीकी से जा मिले हैं। अगर उनके साथ कोई चीज़ गई है तो वो उनके नेक अमाल हैं, उन्होंने नेकी की तरफ जो अपने कदम उठाए थे, एक एक कदम का सिला अल्लाह पाक उनको अता कर रहे होंगे और रोज़े क़यामत तक अता करते रहेंगे, और इंशाल्लाह इन नेकियों के सदके अल्लाह पाक जन्नत में आला मकाम अता फरमाएंगे। तो कहने का मकसद ये है कि सिर्फ हमारे साथ यही चीज़ें जानी होती हैं, सारी चीज़ें हमने छोड़ के जानी होती हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आप सबको जज़ाए खैर अता फरमाए। तो नाज़रीन इकराम, अभी मैं वापस आता हूँ अपने आज के टॉपिक पे। कुछ दिन पहले हमने वीडियो बनाई थी जहाँ मैंने आपको बताया था कि एक मदारस है जो कि इन दो भाइयों ने अल्हम्दुलिल्लाह 40-45 ईयर पहले उसकी इब्तदा रखी थी। मदरसा बहुत खस्ता हालत हो चुका था, बारिश की वजह से उसकी छत वगैरह भी टूट चुकी थी, और यहाँ पे 100 बच्चे अल्हम्दुलिल्लाह ज़ेरे तालीम हैं। यहाँ से बहुत से बच्चे अल्हम्दुलिल्लाह दीनी तालीम से फैज़ हासिल करके दूसरी मसाजिद में अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ा रहे हैं। यहाँ इनका एक बेटा मौलाना साहब होते हैं और एक दूसरा इन्होंने मौलाना साहब रखा हुआ है, दो बंदे यहाँ पर बच्चों को अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ाते हैं। तो उसी मदरसे की अल्हम्दुलिल्लाह आज हमने इब्तदा रखनी है। हमारे साथ हमारे मिस्त्री भाई भी आ चुके हैं, मज़दूर भाई भी आ चुके हैं, पुराने मदरसे की पटाई हो चुकी है, नए मदरसे का मटेरियल भी हमारे पास, जो बेसिक मटेरियल होता है वो भी आ चुका है। अभी हमारे पास छत का मटेरियल हमें चाहिए, उसके बाद प्लास्टर वगैरह के लिए सीमेंट वगैरह जो होती है, काफ़ी चीज़ें हैं जो कि अभी हमें रिक्वायर्ड है। कुरान पाक भी हमने लेने हैं, पंखे भी लेने हैं। मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है कि आप ज़रूर सपोर्ट कीजिएगा, क्योंकि ये ऐसा मदरसा है जो कि इस गाँव के मिड में वाक़ है। इंशाल्लाह इंशाल्लाह ये हमेशा आबाद रहेगा। अल्हम्दुलिल्लाह चाचू जान ने आज मिठाई ली हुई है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। चाचू जी सुनो, खुशी में तुसा? अल्हम्दुलिल्लाह बेहतरीन, अल्लाह दा एहसान है, बहुत बेहद खुश हैं। अल्लाह ताला तुआ को जज़ा खैर देवे, जो सारे मदरसे नवी तामीर शुरू थी पी, अल्लाह ताला तुआ को दीर्घा सलामत रखे। अल्हम्दुलिल्लाह असा तुआ दे बहुत बड़े मशकूर हैं, और जो भाई इसमें सपोर्ट कर रहे हैं तुसा उन्हां वास्ते भी दुआ करनी है। अल्हम्दुलिल्लाह से अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह पाक उनको जज़ा खैर अता फरमाए, ये मदरसे नाल तावन करें दे पैन, अल्लाह ताला उन्हें सलामत रखे। चाचू जी क्या हाल है, खैरियत है? वालेकुम सलाम। आज तो माशाल्लाह मिठाई ली हुई है, बड़े खुश हुए अल्हम्दुलिल्लाह। सर मदरसे तामीर थी भी माशाल्लाह, अल्लाह ताला उनको जज़ाए खैर दे जिन्हें सबको ये सपोर्ट की दिए। मुबारक होवे भाई साहब, अल्लाह दिना मुबारक आ शिव तुम्हारी तुम्हारी मदरसा द्वारा शुरू थी गए। इंशाल्लाह से इंशाल्लाह अल्लाह ताला जज़ाए खैर, मुबारक होवे सही, अल्लाह ताला तुमको जज़ाए खैर दे, जेड़े ये मदरसे दे विच हिस्सा देंदे पेन अल्लाह उनको जज़ाए खैर करे, और ये सदका जारी है जरा मरण तो बाद भी कियामत तक बंदे को मिलता रहे, जारी रहे इंशाल्लाह। ये आखिरत दा सरमाया है, और इता मदरसे दी जरूर अशद जरूरत है, मदरसा बिल्कुल गिरण अल्लाह, काफी बच्चे ही था पढ़ते पन, अल्लाह उनको जज़ाए खैर देवे जे रहे देवे तावन करे दे पन, मदी मुबारक व सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आमीन अल्लाह आमीन रब आमीन। उना ने दुख तकलीफ दूर कर या अल्लाह, आमीन। उना को दोदा के दे भा करे बचा या अल्लाह, आमीन। अच्छा दे तरह कर, आमीन अल्लाह आमीन। या अल्लाह जिन्ना ई मदरसे दे विच तावन करे दे पन जा करे दे रासन, या अल्लाह उनको हक के नाल दे रोजी दे रोजी बरकत, अल्लाह आमीन। या अल्लाह उना दे विचो कोई तकलीफ ना दे, या अल्लाह तू तकलीफ काट पर, अल्लाह आमीन। या अल्लाह अपना महबूब दे वसीले ने, या अल्लाह उनको हक के नाल दे रोजी दे रोजी बरकत, आमीन। जो कुछ परेशानी उनना को रीते ने, या अल्लाह परेशान ना दूर, अल्लाह आमीन। ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाह रहमान रहीम। चाचू जी मिठाई ले लो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, जज़ाकुम अल्लाह वास्ते, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाह से अल्लाह ताला उनको देर का सलामत। मदरसे की लंबाई और चौड़ाई जो है सर, लंबाई कितनी है? 27 फिट 16 फुट 27 फुट 16 फिट की चौड़ाई है, 27 फुट लंबाई है। पहले जो यहाँ मदरसा बना हुआ था वो 24 फुट का था ना, 24 फुट, 3 फुट हमने मज़ीद इंक्रीज़ कर दिया है अल्हम्दुलिल्लाह। हमारे पास ईंटें भी आ चुकी हैं, सीमेंट भी आ चुकी है, दरवाजे और विंडो भी अल्हम्दुलिल्लाह हमने ले ली है। तो मैंने रहोगे?
माशाल्लाह। सर दरवाज़ा अच्छा है? दरवाज़ा अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल बेहतर है, अल्हम्दुलिल्लाह। दरमियान में ये बड़ी विंडो 6 फिट की, बड़ी वजनी है, बहुत वजनी है अल्हम्दुलिल्लाह। हवा के लिए दरमियान में विंडो लगा देंगे, पिछली दीवार पे, फ्रंट वाली दीवार पे 2 दरवाजे आ जाएंगे अल्हम्दुलिल्लाह, माशाल्लाह। पर वाला भी अच्छा जाल काम काले सुन से साथ कुछ तरह जो बस दिखा दो, मैं इंशा अल्लाह उसका दिखा दूं। ठीक है, अल्लाह ही कुछ वह खैर दे, आमीन। काले सिंह जेड़ा बच्चा ये जेड़ा बंदा ये अल्लाह दे काम और अल्लाह दे समझे कि दीन दी खातिर जेड़े काम कुर्बानी ने दे ओ को निमसन ओ जन्नत दे जगह बन सके, जन्नत अपना घर बनवा। कोई शक नहीं जी, कोई शक नहीं। अल्लाह ही मकसद कोई मदरसे को आबाद शाद रखे, ए पूरी बस्ती को आबाद शाद रखे अल्लाह, आमीन। जिने आज करीम बाद टाइम होनी होनी उमर थोड़ी नहीं कितना पहले अल्हम्दुलिल्लाह हमारा जो फाउंडेशन का काम है आज मुकम्मल हो चुका है। इजाज भाई दरवाजे कितने ऊपर आएंगे इससे? एक रद्दा और आना है यहाँ तक के ऊपर, माशाल्लाह जमीन से काफी ऊंची जगह है, पानी वगैरह का भी खतरा नहीं होगा, पानी भी ना आसी जी, पानी नहीं आ रहा बिल्कुल अल्हम्दुलिल्लाह। DPC कल सवेरे पावे से इंशाल्लाह। मसाजिद में मजालिस में तू ही तू हो मेरे।